Assalamu alaikum, dear students. So far, you have learned everything you need to know about chart of accounts. Now, we are going to do what practically we should do within QuickBooks. As you may remember, that during setting up of our company, we had chosen a company. And the moment we chose a company, an associated chart of account was provided to us by quickbooks now let me show you where it resides on a computer this is your main home page as you can see this icon represents your chart of accounts all you need to do is just click on it we will see the chart of account that we have associated our company with तो हमने इसको बताया था कि आप जो कंपनी सेटअप करने जा रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम करेगी जैसे ही हमने उसे बताया क्विक बुक्स ने एक चार्ट ऑफ़ अकाउंट हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट कर दिया एंड दिस दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन्स इज द चार्ट ऑफ़ अकाउंट विच वाज प्रोवाइडेड बाय क्विक बुक्स लेकिन क्विक बुक्स को बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में नहीं पता नंबर एक और नंबर दो जो हमारा चार्ट अकाउंट आपको नजर आ रहा है इसमें अभी आप खुद देख सकते हैं कि नंबरिंग तो है ही नहीं नंबरिंग कैसे आएगी ऑल यू हैव टू डू इज गो टू एडिट सेलेक्ट प्रेफरेंसेस सेलेक्ट अकाउंटिंग कंपनी प्रेफरेंसेस एंड टिक यूज अकाउंट नंबर्स नाउ फाइनली प्रेस ओके एंड देयर यू हैव ऑल द लिस्टेड नंबर्स ऑन योर स्क्रीन जैसे कि आप विंडोज़ की किसी भी सॉफ्टवेयर में लिस्टिंग को शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ भी आप नेम पे क्लिक करेंगे तो ये नेम से शॉर्ट हो जाएगी और टाइप पे क्लिक करेंगे तो ये टाइप पे शॉर्ट हो जाएगी जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था कि हमारी कंपनी दो किस्म के बिजनेस कर रही है एक कंस्ट्रक्शन और दूसरा सेल ऑफ़ बिल्डिंग मटीरियल लेकिन एज़ यू कैन सी इस इनकम ग्रुप में हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन इनकम और रेंटल इनकम हमारी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ आर बिल्डिंग मटीरियल इज नॉट लिस्टेड हिर वॉट वी नीड टू डू इज एट अनदर चार्ट ऑफ अकाउंट टू दिस लिस्ट सो दैट आर बिजनेस प्रोडक्ट्स कैन बी रिकॉर्डेड एंड अकाउंटेड फॉर फॉर दैट देर आर टू मेथड्स सिंपली गो डाउन टू अकाउंट्स जैसे आप अकाउंट्स को प्रेस करेंगे इस मेन्यू से यू कैन चूज न्यू और इवन सिंपलर यू कैन राइट क्लिक एंड चूज न्यू जब भी आप न्यू चूज करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इस वी आर गोइंग टू ऐड एन इनकम अकाउंट इनकम अकाउंट फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। कंटिन्यू एंड दिस स्क्रीन शुड अपियर वेयर यू हैव टू गिव the chart of account number as well as the name of the account as we already know that the series for income is series starting with number 4 so what we are going to do is add an account with starting with number 4 or is account ka name hum kya Iska naam income from building material अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं जब आप ये दोनों चीज़ें दे दें इसे कहें जी सेव एंड क्लोज सो यू कैन सी अ न्यू अकाउंट हैज़ अपियर ऑन आर स्क्रीन विथ स्टेट्स इनकम फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल। इसके अलावा जो हमारी कंस्ट्रक्शन इनकम है उसको भी हम रिफाइन कर सकते हैं और रेंटल इनकम को भी हम रिफाइन कर सकते हैं इसमें जितने हेड्स मौजूद हैं उनकी पर्टिकुलर कोडिंग के लिहाज से हम जहां चाहें अपने मुनासिबत से एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, व्हिच आर गोइंग टू हेल्प अस लेटर इन अकाउंटिंग एज वेल एज इन मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेवलपिंग रिपोर्ट्स राइट सो दिस इज हाउ यू कैन एड एन अकाउंटिंग हेड In your chart of accounts and use it later. One thing more, just for your sake, there was one thing which stated sub account. At the moment, we are not going to discuss this, but in later chapters, we will see what this sub account is. Okay, that's all for today. Thank you.